अस्सलामुअलैकुम फूडीज, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी। ये रेसिपी जो है मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। हार्डली 2 से 3 मिनट आपको इस रेसिपी को बनाने में लगते हैं। तो जब आपको जोरों की भूख लगी हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और ये है आपकी जो स्नैक्स के तौर पे भी काम करती है। चाय के साथ भी आप इस चाट को सर्व कर सकते हैं। देख के आपको नज़र आ रहा है तो जी हाँ, मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ पापड़ चाट रेसिपी। बहुत ही इजी और क्विकली बनने वाली रेसिपी है ये। तो यहाँ मैंने एक मूंग दाल पापड़ का पैकेट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी पापड़ यूज़ कर सकते हैं जो आप खाना पसंद करते हैं। चलें जी, गैस को कर लेते हैं ऑन और पापड़ को सेक लेते हैं दोनों साइड से। वैसे तो मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूँगी कि आप जो हैं फ्लेम पे डायरेक्ट पापड़ को ना सेकें, तवे पर पापड़ सेकें, क्योंकि जो ये फ्लेम होती है हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। जी हाँ, अब आप ये सोचेंगे कि मैडम खुद तो फ्लेम पे सेक रही है और हमें सजेशन दे रही है कि तवे पर सेकें। तो ऐसा इसलिए है कि मेरा जो तवा है वो फ्री नहीं था, साथ साथ मैं तवे पे जो है रोटी बना रही थी, तो इसलिए बस, और बहुत जल्दी में थी। और बस अब आप सोचेंगे कि मैम हमेशा बहुत जल्दी में सारी रेसिपीज़ बनाती हैं, तो बस सुबह का जो टाइम होता है वो ऐसा टाइम होता है कि जो लंच भी पैक करना होता है, और सुबह के रूटीन में आप भी समझ सकते हैं जो वर्किंग है कि कितना, मतलब कितना जल्दी में है जो है हम काम करते हैं, तो टाइम बहुत कम होता है। तो बस इसीलिए तवा मेरा फ्री नहीं था, तो बस ये मैंने डायरेक्ट फ्लेम पे सेक लिए हैं पापड़। और इन पापड़ों को दोनों साइड से सेकने के बाद यहाँ मैंने जो है ये जो सैलेड है इसको कटिंग कर लिया था, चॉप कर लिया था बहुत ही बारीक। तो डिटेल जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या मेंशन कर दूंगी। तो यहाँ जो है सैलेड में मैंने लिए हैं कैरेट, रेडिश, और जो है अनियन है, टमाटोज हैं, ग्रीन चिल्ली है, और आपका कुकुम्बर है। इन सबको मैंने जो है चॉप कर लिया है बहुत ही बारीक। और इन सबको मैंने एक बाउल में डालकर इसमें मैंने कुछ मसाले ऐड किए थे, स्पाइसेस जो आपके बेसिक मसाले होते हैं जैसे रेड चिल्ली है, सॉल्ट है, चाट मसाला है, ये सब मैंने यहाँ पे ऐड कर इस चाट को बना के रख लिया था। और ये है हमारी ग्रीन चटनी जो कि मेरी पर्सनली फेवरेट है। तो ग्रीन चटनी की रेसिपी तो मैं आपके साथ ऑलरेडी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, तो आप वो रेसिपीज जाके देख सकते हैं ग्रीन चटनी की रेसिपी। तो बस मैंने यहाँ पर जो है ये जो हमने ये सैलेड चाट बनाया था, चाटी कह लें आप इसको, इन सबको जो बारीक चॉप किया था उसको हमने पापड़ पर स्प्रेड कर दिया है। ग्रीन चटनी यहाँ मैंने स्प्रेड कर दी है, टमाटो केचप मैंने ऐड कर दिया है। और आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि पापड़ पर पहले जो चटनी है और केचप है इसको स्प्रेड करके बाद में सैलेड ऐड कर दें। और यहाँ मैंने ब्लैक जो सॉल्ट है वो ऐड किया है, यहाँ मैंने चाट मसाला ऐड किया है, कैच का चाट मसाला यूज़ कर रही हूँ। वैसे आमतौर पर मैं चंकी चाट मसाला या MDH के चाट मसाले यूज़ करती हूँ, लेकिन अब की बार मैं यूज़ कर रही हूँ कैच का चाट मसाला। इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर है। और बस इसको भी मैंने स्प्रेड कर दिया है पापड़ पर। तो चलें जी, ये जो है आपकी पापड़ चाट है बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। तो मैं चेक कर खाकर बताती हूँ आपको ये कैसी बनी है। तो ये जो है यहाँ पर मैंने बाइट लिया है एक, और यकीन मानिए इतनी फ्लेवरफुल बनी है। जो आपका केचप है, चटनी है, सबका फ्लेवर मुँह में आ रहा था, तो बहुत ही बेहतरीन चाट ये बनी है। खाएं खिलाएं, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करना भी ना भूलें। और रेसिपीज़ के लिए हमें फॉलो करें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बस दुआओं में याद रखें, खाएं खिलाएं, खुश रहें। हाँ, साथ में मैं आपको ये मेंशन करना भूल गई थी, यहाँ मैंने फ्राइड अनियन भी ऐड की थी, और ये थोड़ा सा जो हरा धनिया की पत्ती हैं ये भी ऐड की थी। इसने तो बस जो है आपका चाट है उसमें 4 चांद लगा दिए थे। अगर आपके पास हैं तो इनको भी ऐड ज़रूर करें। तो बस खाएं खिलाएं, खुश रहें।